फाजिल का समाचार वेब टीवी देखे दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीते दिन हुई शर्मनाक घटना के बाद पूरे भारत में रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथरस की बेटी कुमारी मनीषा के आरोपियों को सजा दिलाने को लेकर बीती रात को भारत बंद का ऐलान किया गया। इसको लेकर शहर फाइलका में इसका समर्थन दिया गया और शुक्रवार को बंद का ऐलान किया गया था, जिसके चलते आज फाइलका में पूर्ण तौर पर शहर बंद रहा। दलित समाज की तरफ से पूरे फाइलका में रोष प्रदर्शन किया गया। दलित समाज का रोष प्रदर्शन भगवान वाल्मीकि मंदिर गौशाला रोड से होते हुए लाल बत्ती चौक पर समाप्त हुआ। दलित समाज की तरफ से भारत सरकार के नाम जिला प्रशासन को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। मीडिया के सवाल किसी मीडिया ने ये गोदी मीडिया ने कोई खबर नहीं दिखाई कि दलित की बेटी वो सुशांत को लेते फिरते रहे, रिया को लेते रहे, कंगना को लेते रहे, सारा सिविल करते रहे, चाइना को लेते रहे, लेकिन देश की जो दलित बेटी के साथ कितना अत्याचार हुआ किसी मीडिया ने उसको जारी नहीं किया। मैं इस गंदी गोदी मीडिया को मैं लख लख नाम देता हूँ कि उसने दलित बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ उसका एक भी खबर उसको ढंग से नहीं दिखाई। हम दलित एकता मंच फाइलका वेस्टर्न एंड नॉन कॉन्ट्रैक्ट एससीबीसी एम्प्लॉई फेडरेशन और अंबेडकर निशुल्क कमल फाइलका की तरफ से सभी रविदासिया समाज, वाल्मीकि समाज और सभी दलित समाज जो हमारी दलित जत्थेबंदी है, उनकी तरफ से जो उसने आज अपना शक्ति प्रदर्शन रोष प्रदर्शन किया, बेटी को अपनी बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए फाइलका में रोष प्रदर्शन किया और मांग करी है विचारों जो हो जो जो जिन्होंने दलित बेटी के साथ रेप किया है, अत्याचार किया है, उन सभी को फांसी जल्द जल्द है, इसके बिना हमारा रोष खत्म नहीं होगा। जय भीम, जय भाव, जय गुरुदेव, अन्न गुरुदेव, जय वाल्मीकि, जय रघुनाथ। जो हमारी बेटी मनीषा के साथ बर्बरता गैंगरेप हुआ, गैंगरेप के बाद वो दरिंदे यहां नहीं रुके, उसके बाद उसका बेरहमी से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ी गई, यहां नहीं अभी बस हुए कहते ये बोल तो रही है, उसकी जुबान भी काट दी गई, उसके बाद उसकी आंखें नोच ली गई। जब उस प्रशासन के पास गुहार लगाई गई तो कहते ही इंक्वायरी हो रही है, ये फफड़े कर रही है, ये नाटक कर रही है, पुलिस आके से ये कह रही है, उसकी जान पे बनी हुई थी, मगर पुलिस ने ये नहीं किया, इसको तुरंत इमरजेंसी में लेके और अच्छे कई सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल में इसका इलाज कराया जाए, नहीं उसको वहीं हाथरस में ही रखा गया। जब देखा इसकी कंडीशन खराब हो रही है तो फिर उसको दिल्ली शिफ्ट कराया गया। इतने में उसके पास कुछ नहीं बचा था, अगर उसको फर्स्ट एड इमीडिएट मिलती शायद वो बच जाती, मगर यहां नहीं रुकती प्रशासन। प्रशासन ने कहा कहते ये अगर वो दोषी है तो ये भी दोषी है, आपका भी कसूर है, अगर उनका कसूर है तो ये क्या बन रहा है, ये योगी सरकार क्या करने जा रही है, उसको कोई तरस नाम की चीज नहीं है। उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट कराई गई, जो उसका पोस्टमार्टम कराया गया, उसकी रिपोर्टें सारी बदल दी गई, कहते जी इसके साथ रेप नहीं हुआ, जबकि उस हमारे बच्ची के बयान है। पहले जब प्रशासन ने पूछा क्या आपके साथ रेप हुआ, उसने गर्दन हिला दी, क्योंकि वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको रेप नाम की कोई पता नहीं था क्या वर्ड होता है इंग्लिश का। जब उसके भाई ने कहा सर ये अनपढ़ है, इससे कुछ और लैंग्वेज से बात करो, जब उन्होंने पूछा क्या आपके साथ किसी ने कोई बुरा काम किया, उसने कहती हां मेरे साथ किया है, मगर वो रिपोर्ट पुलिस ने खत्म कर दी। आज मेडिकल रिपोर्ट कहते जी उसकी तो जो जीभनी काटी गई थी उसकी जुबान दांतों में आ गई थी, जब उसके गले में चुन्नी कसी गई थी, जब चुन्नी कसी जाती है मैं उसको डीएम को और उस एसएसपी को यूपी के को मैं उसका गला घोट के दिखाता हूं, अगर वो दांत बीच ले एक बार भी, जब गला घुटेगा मुंह खुल जाएगा। कहते जी इसकी जो जुबान कटी है इसके दांत बीचने से कटी है। देखो क्या ये प्रशासन ड्रामा कर रही है, ये योगी का प्रशासन
क्या कर रहा है। आज हमारी दलित समाज की पुकार है वहां यूपी में राष्ट्रपति राज लगाया जाए और जो दरिंदे हैं उनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। बंदे जी इन्हें समर्थन दे रहे हैं पब्लिक बाजार बंदे जी यार बंद रखेंगे इनके नाल नाल भी किसी तरह तो कोई घटना का सामने नहीं 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 बाजार बंद है जी लोगों ने बाजार आप व्यापार मंडल ने इन्हें भी मीटिंग हुई है व्यापार मंडल की और दस परिवारों का उन्होंने अपने तौर पर बाजार बंद किया उन्होंने कोई जबरदस्ती बंद नहीं कराया ये लोगों आप रह रहे हैं गरीबों का पता कर गए क्यों कानूनी हरकत यूपी सरकार के राज बीजेपी सरकार जो एक बहुत जिंदगी हो गए साड़िया अक्सर शर्म का चुक जाती है कि साड़िया लड़कियां बच्चिया जो वो इस तरह गुंडे चक के इस तरह की खुशी दे के मार के रोक करके सरकार भी पकड़ सकती।